हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 17 क्वेश्चन हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स रेलवे, आरपीएफ ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न, 33 नंबर क्वेश्चन है। और इसके अलावा दोस्तों, अब मैं एक अनएकेडमी पर भी एजुकेटर हूं, तो अनएकेडमी का जो लर्निंग ऐप है आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर, उसमें मेरा चैनल स्टडी और टारगेट सर्च कर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न, 33 नंबर क्वेश्चन है। कार्न फ्लावर किस देश का राष्ट्रीय फूल है? तो कौन से देश का राष्ट्रीय फूल है? तो जर्मनी। ठीक, जर्मनी का राष्ट्रीय फूल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है, तो प्रथम देश कौन सा है? तो चीन। ठीक, चीन जो कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 मार्च। ठीक, 15 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है। जापान की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है? तो ग्रे बुक। ठीक, ग्रे बुक के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है। अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो सूरा। ठीक, सूरा कहा जाता है। और जापान के संसद को डाइट कहा जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है। अफ्रीका देश घाना का प्राचीनतम नाम था, तो क्या नाम था? तो गोल्ड कोस्ट था। क्या था? गोल्ड कोस्ट था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है। एशियन ड्रामा के लेखक हैं, तो एशियन ड्रामा जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो गुनार मिडल। ठीक, गुनार मिडल के द्वारा लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो किसे जो है एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क। ठीक, न्यूयॉर्क को जो है एम्पायर सिटी कहा जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किसे जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर। ठीक, कोयम्बटूर को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो एशिया का प्रवेश द्वार जो है तुर्की कहलाता है। कौन कहलाता है? तुर्की कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है। संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिन राम है। कौन है? मासिन राम है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील। ठीक, बैकाल झील जो कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9। ठीक, 9 खिलाड़ी होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है। आइस हॉकी का खेल परिसर कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो रिंक। ठीक, रिंक कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो क्रिकेट का ऑस्कर जो है आईसीसी पुरस्कार को कहा जाता है। किसको? आईसीसी पुरस्कार कहलाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी?
तो पहली भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। कौन थी? नरगिस दत्त थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? तो ट्रांबे, ठीक, ट्रांबे में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 17 क्वेश्चन हैं, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो दोस्तों, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो छह आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।